आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी कृष्णगान 11वां गीत का अध्ययन अध्यापन करेंगे। सुमधुर गायन के साथ साथ कविता का भावार्थ सरल अर्थ देखेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर कर रहा है। दीनता अभिमान उसका आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। कृषक के जीवन में संतोष रूपी धन होता है और उसी के सहारे वो अपना जीवन व्यतीत करता है। सारे संसार पर एक मधुमास की तरह परमेश्वर की कृपा होती है, लेकिन संसार के समस्त दुख किसान के ही जीवन में होते हैं। गरीबी को किसान अपना अभिमान मानता है और इसीलिए मैं उस पर अभिमान करना चाहता हूँ, उस कृषक का गान करना चाहता हूँ। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, क्योंकि किसान के हाथ में संतोष रूपी तलवार है और उसी के सहारे वो अपने जीवन में लड़ाई करता है, युद्ध करता है। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुमत रस बनाया, वो अपना पसीना लहू की तरह खून की तरह बहाता है और जगत के लिए अन्न पैदा करता है, मधुरस बनाता है। परमेश्वर ने सभी के लिए धूप और छाया समान रूप में बनाई है, इसीलिए मैं मानवता के ध्वज तले किसान का आज आह्वान करना चाहता हूँ, उस कृषक का गान गाना चाहता हूँ, किसान का गीत गाना चाहता हूँ। विश्व का पालक बन जो, विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। किसान को इस संसार का अन्नदाता कहा गया है और इसलिए वह अन्नदाता प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन रस तैयार कर रहा है, वह अन्न तैयार कर रहा है क्योंकि वह अन्नदाता है। किंतु अपने ही पालितों के पद के लिए, पैरों के लिए कुचला जा, पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, उसका अपमान हो रहा है, इसलिए मैं आज उससे हाथ मिलाना चाहता हूँ, कर मिलाना चाहता हूँ। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लो, और इसीलिए कवि उससे हाथ मिलाना चाहता है और एक नई सृष्टि का निर्माण करना चाहता है। धन्यवाद।